आज के दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं लेकर हाजिर हूँ स्वीटी शर्मा आपके साथ। चलिए एक नजर सुर्खियों पर डालते हैं। रोहतास में दूसरे दिन भी किया गया क्वार्टर खाली, कई क्वार्टर को किया गया सील, लोगों का छलका आंसू। नालंदा मेडिकल कॉलेज का मामला पकड़ा, राजनीतिक तुल परीक्षा में पास करने के नाम पर छात्राओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में बीजेपी के बैनर तले किया गया धरना प्रदर्शन। नाबालिग ड्राइवर के द्वारा तस्करी के लिए मुंगेर लाया जा रहा था एक पिकअप वैन में लोड 125 कार्टून विदेशी शराब को किया बरामद। शराब पीने के आरोप में बंद आरोपी युवक के द्वारा आत्महत्या के बाद काफी समझाने बुझाने और घटना कार्यपालक दंडाधिकारी एसटीओ। शिक्षक बनने के लिए आज 20 परीक्षा केंद्रों पर 15,257 अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा। सभी केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी सहित सशस्त्र पुलिस बल का किया गया तैनात। बहड़ी बिघा गांव में हुआ अनोखा दाह संस्कार, बैल मवेशी की मौत पर गाजे बाजे के साथ मवेशी पालकों ने किया दाह संस्कार। आयोजकों की उपेक्षापूर्ण रवैये से उत्तर धाम सूर्य महोत्सव 2023 का किया गया फीका उद्घाटन समारोह आधी अधूरी हुई तैयारी, नहीं पहुंचे मुख्य विशिष्ट एवं सम्मानित अतिथियों, कुर्सियां रह गई खाली। विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से बिहार शरीफ कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन, कई तरह के मामलों का समझौता के आधार पर किया गया निष्पादन। मुंगेर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के इंजीनियर को मारी गोली, सड़क खुदाई के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। अपराधियों ने एक वृद्धा की देर रात मारी गोली, कई सालों से चल रहा था जमीनी विवाद। भागलपुर के इतिहास में पहली बार लोक अदालत में शामिल रहे पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रा। केके पाठक के फटकार के बाद भी नहीं सुधरा वैजनी में और आंगनबाड़ी केंद्र। फिर पौती विधानसभा की सड़क का हाल हुआ बेहाल, चार दिन के बने सड़क पर एक दिन की बारिश में जमा पानी। बीसीएल सीजन 2 का 10 दिवसीय लीग मैच का हुआ आयोजन। लोक सदन में गोडा के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा दिए गए बयान पर जदयू के जिला प्रवक्ता ने जताया विरोध। केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे अर्जुन मुंडा। झारखंड पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, लोजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत।